नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ, आमोदी माछर झाल। बंगाली में इस फिश का नाम आमोदी माछ है। तो चलिए दिखाती हूँ कि आमोदी माछ मैं किस तरीके से बनाती हूँ। पहले मैं जो फिश को अच्छे से धो के इसको मैरिनेट करना होगा 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक से। मैं इसको पहले मैरिनेट कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल यूज़ किया है। अगर आप कोई और तेल यूज़ करते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि सरसों के तेल से खाने का जो स्वाद है वो दुगना आता है। सो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है। इसे मैं अब जो फिश है वो अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मुझे एक पेस्ट तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटे से बोल में 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ज़ीरा और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर सरसों के दाने, इसका मुझे एक फाइन पेस्ट तैयार करना है। देखिए इस तरीके से मुझे एक फाइन पेस्ट तैयार करना है। और एक बात मैं जो आपको बताना भूल गई, इसमें मैंने पेस्ट बनाते समय हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में उसी तेल में जिसमें मैंने फिश को फ्राई किया है उसी तेल में मैंने यहाँ पर 2 सूखी मिर्च और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर सरसों के दाने यूज़ करूँगी। करके मुझे थोड़ा सा हल्का सा इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा थोड़ा फ्राई कर लेना है। जैसे ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके रखे हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें टमाटर जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है तो इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। ये रेसिपी बहुत ही झटपट और बहुत ही जल्द बन जाता है। करीबन 15 से 16 मिनट के अंदर ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो जाता है बनके, और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए ये जो मसाले हैं थोड़े से भुन चुके हैं, अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर को करीबन देने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसे थोड़ा फ्राई करना होगा, जब तक कि टमाटर जो है थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए, थोड़ा सा गल ना जाए, तब तक हम थोड़ा इसको फ्राई कर लेंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने यहाँ पर टमाटर जो है गल थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। इसके बाद मुझे यहाँ पर जो पेस्ट हमने पहले से तैयार करके रखा है उस पेस्ट को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करके इसे थोड़ा सा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम रखना है इस समय। और एक बात आप ध्यान रखना होता है कि हमें इसमें सरसों का पेस्ट है तो हमें हाई फ्लेम नहीं करना होगा और बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है जिससे कि इसमें कड़वाहट आ जाए, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना होता है। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़े से सूखे मसाले, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड किया है और नमक ऐड करूँगी मैं स्वाद अनुसार। बस इसके अलावा और कोई मसाले की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड के लिए हम थोड़ा इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, हम ज़्यादा नहीं, 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम पानी, क्योंकि ये जो मसाले हैं जल ना जाए इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा चला लेंगे करीबन 1 मिनट के लिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए यहाँ पर जो है 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें करीबन 1 कप पानी ऐड करूँगी। ऐड करके हम मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके अब मुझे इसे हाई फ्लेम में कर देना है। कम से कम 5 मिनट के लिए मुझे इस ग्रेवी को उबलने के लिए देना है। 5 मिनट के लिए मैं इसे हाई फ्लेम में रख दूँगी।
5 मिनट हो चुके हैं, मैंने अब फ्लेम को थोड़ा कम कर लिया है। अब मैं जो फिश मैंने फ्राई करके यहाँ पर रखा था उसे मैं इसमें ऐड करूँगी। ऐड करके फिर लो फ्लेम में ही मुझे 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। सारे फिश मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ऐड करके अब मुझे इसे 3 मिनट के लिए इसी तरीके से कवर करके ढक्कन लगा के मुझे 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। 3 मिनट बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तीन मिनट हो चुके हैं। अब मैंने थोड़ा सा फ्लेम जो है मैंने इसको हाई किया है करके। अब आपको आपको अगर और थोड़ा गाढ़ा ग्रेवी चाहिए होगा तो आप थोड़ा और थोड़ा सा इसको चला लीजिए उस, और अगर आपको ऐसी ग्रेवी पसंद है तो वो भी आप अपने हिसाब से। आप ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देखिए बिल्कुल रेडी है। आज बस यही तक। नेक्स्ट रेसिपी लेके मैं बहुत जल्द आपके पास फिर शेयर करने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते।